हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने आपको ओरा का रिव्यू दिया था। आज एक हमारे वीर जी मिले हैं और ये जयपुर से हैं और अभी हम अम्बाले खड़े, तो मैंने कहा इनका भी रिव्यू कर ले। ये इन्होंने बताया 2 महीने पहले ये टैक्सी परमिट की गाड़ी है टूर की, और ये मनजीत सिंह जी है। आज इनका हम रिव्यू लेते हैं, इनके साथ बात करते हैं। हेलो वीर जी, की हाल है? सत श्रीकाल जी, की हाल है जी? बस वधिया। तो वीर जी, तुसी ये गड्डी कदों ली? ओ सॉरी, अपा हिंदी जे गल करनी सी, साडे जेडे व्यूअर्स है सारे। अच्छा, 2 महीने हो गए आपको? हाँ, 2 महीने ली। कितनी चला दी आपने? ये अभी चली है 4000। अच्छा, ये सीएनजी पेट्रोल है ना? और ये टूर है या वीएक्स है? ये टूर है। थोड़ा आप इसके बारे में बताओगे? इंजन इतना कितने सीसी का है, क्या है? 1200 सीसी इंजन है। 1200 सीसी इंजन है। टायर इसके 14 इंची के है ना? थोड़ा मैं दिखा दूँ? हाँ जी हाँ जी, ये देखिए टायर इसके 12 टायर जेके के डले हुए हैं, 14 इंची के टायर हैं। और यहाँ से इसमें सीएनजी डलती है। इसमें एक ये चीज़ है, ये आपने देखी होगी कैप। इसमें एक दिक्कत ये है, अगर कैप खुल जाए ना तो गाड़ी रुक जाती है। आपको चारों तरफ से वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। सिंपल गाड़ी है, टूर है ये, और आप देख सकते हैं यही सब है। और इसमें अब वीर जी से आगे की बात करते हैं सारी, और इसका रिव्यू आपको देते हैं। गाड़ी आपको मैंने चारों तरफ से दिखा दी है, थोड़ी सी ये गाड़ी लगी है। वीर जी कह रहे थे मेरे छोटे भाई से लगी थी लोकल में, और अभी आपने कैरियर नहीं लगवाया? अभी लगवाया नहीं, लगवाना है कैरियर। अच्छा, अभी लगवाना है। 2 महीने हुए हैं आपको? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, फिर आगे आपका इंटरव्यू लेते हैं। अब हम आ गए दोस्तों गाड़ी में, और ये हमारे वीर जी है मनजीत सिंह जी। और अब आपको मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये टूर मॉडल है, और टूर मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है ये देखो, मैक्सिमम स्पीड लिमिट 280 km/h किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 80 से ऊपर गाड़ी नहीं जाती, और ये सिंपल गाड़ी होती है, टूर गाड़ी है। इसमें पावर विंडो नहीं है, आप बाहर से लगवा सकते हो, ये हाथ से ही है चारों। और ये सिस्टम आपने पाई? हाँ, ये बाहर से लगवाया है। और इसका अंदर का ये जो ऑडोमीटर है ये ऐसा है, ये सिंगल ही आता है। इसमें सारी डिटेल आ जाती है। हाँ। और सारी वही है, मतलब इसमें मेन तो कोई ज़्यादा फीचर है नहीं। एसी हीटर दे रखा है। हाँ। पावर स्टेरिंग है, स्टेरिंग एडजस्ट होता है? हाँ, होता है ना, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। हाइट करके दिखाना एक मिनट। हाँ, ये देखो हाँ ये अपने आप हाइट के हिसाब से कर सकते हो। और ये जो पीछे का शीशा है ये अपना डे नाइट नहीं है, डे ही है। और इसमें मिरर नहीं आता यहाँ पे, और 2 एयरबैग है, एक यहाँ पे एयरबैग है, एक SRS एयरबैग यहाँ पे है, मतलब 2 एयरबैग आते हैं। और इसमें हेड रेस्ट है जो फिक्स होता है, और जो अपनी दूसरी होती है उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे भी हेड रेस्ट फिक्स है, पीछे भी बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा। तो यही फीचर है। और इसके साइड मिरर है, ये मतलब ये कैसे एडजस्ट होते हैं? बाहर से हाथ मार के? बाहर से हाथ। और फोल्डिंग भी ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअली है सारा, ये दोनों है मैनुअल है, और बाहर से ये होते हैं। और गाड़ी 80, आपने इसकी स्पीड खुलवाई है वीर जी? नहीं खुलवाई इसकी, अभी खुलवाएंगे, बाद में खुलवाएंगे। अच्छा, तो ये तो गाड़ी के बारे में डिटेल में होगी। कितनी चला दी आपने गाड़ी? ये चला दी एक्चुअली, आपको दिखाता हूँ, ये चला दी आपको 4532 चलाई 2 महीने में। हाँ, 2 महीने, मतलब आराम से चला रहे हो गाड़ी? आराम से चला रहे हैं अभी इसको। ये यहाँ पे देख लो, ये पेट्रोल का है, वो सीएनजी का है, आपको दिख रहा है, फोकस कर ले तो। ये इसमें दोनों गेज आते हैं, कितना पेट्रोल है कितना सीएनजी है। सीएनजी गाड़ियां पेट्रोल वैसे ही कम होता है। हाँ। और स्पीडोमीटर है, 80 से ऊपर जाती नहीं, खुलवा लोगे तो। और ये अगर आप ऊपर से इसका मॉडल लेते हो, यहाँ पे बटन वगैरह आते हैं। हाँ, सब चीजें यहाँ लग जाएं। हाँ। इसके ऊपर लग जाएं। और अपना ये भी उसमें फिर क्रोम का आ जाता है। हाँ। और यहाँ पे ये सॉकेट दे रखा है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, इसमें डबल दूसरा लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। इसमें तो वैसे USB का होता है, जब ये सिस्टम कंपनी से लगा आता है ना। हाँ। तब USB वगैरह का इसमें लगा आता है। अच्छा, तो और ये मैं देख लूं वीर जी? हाँ, देख लो। ये देख लीजिए, इतनी जगह है इसमें, आप देख सकते हैं। तो ऐसा हिसाब है, ये गाड़ी के मोटे मोटे फीचर है, पीछे बैठ के मैं आपको दिखाऊंगा। 1200 सीसी का इंजन है इसका, है ना? 1200 सीसी। तो वीर जी सबसे पहली बात तो ये बताओ, एवरेज क्या देती है लोकल में, पहले बताओ? लोकल में तो देखो, अगर अपन पहले दूसरे पे चलती है तो ये 25 के आसपास देती है। अब मान लो लॉन्ग रूट पे चलेंगे तो अपन ये 30 प्लस देती है, मतलब हाईवे पे 30 प्लस देती है। लोकल में 25-26, लोकल में तो फिर वो है ना, अपन कभी पहले गियर में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, तो उसमें ये है। लॉन्ग रूट में ये रहता है कि आप टॉप डाल के बस चलने दो, उसमें ज्यादा एवरेज मिलती है। और आप कहाँ से हो?
मैं एक्चुअली जयपुर से हूँ। जयपुर से है और ये 14 नंबर जयपुर का ही है, 14 नंबर RJ14 आपने देखा होगा। तो अच्छा वीर जी, अब ये बताइए आप लोकल काम करते हो ज्यादा या बाहर का? मैंने क्या लोकल में ज्यादा काम करा है, अभी बाहर में तो इतना मतलब एक दो ट्रिप ही मारी है, उसमें मेरे को कम ही बचा है। लोकल में वहाँ ओला उबर में चलाता था। अच्छा जयपुर तो, में? हाँ जयपुर में, तो वहाँ मेरे को 2500-3000 रुपए हो जाता था। हाईएस्ट मेरा उसमें 3900 रुपए था और ज्यादा भी नहीं था। सुबह 8 बजे मैं निकला था और रात को 7 बजे तक मैं आ गया था। 3900 रुपए, बड़ा अच्छा है। हाँ तो मतलब लोकल ओला उबर ज्यादा चलाते हो? ओला उबर रैपिडो भी चलाते हो? नहीं, ओनली ओला उबर दो ही चलाता हूँ। ओला उबर ही चलाते हो? और कितने घंटे चलाते हो? ये मैं सुबह 11 बजे निकलता हूँ, 8 से पहले आ जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अब ये मैं जाना, आपका एक्सपीरियंस वैसे कितना है, पहले आप क्या करते थे? पहले क्या, हमारे पास एक क्यूट गाड़ी थी, छोटे वाली क्यूट, वो उसकी रेनॉल्ट की, रेनो की। हाँ वो मैंने खूब चलाई है टैक्सी में वहाँ पे जयपुर में। उसके बाद फिर मेरे को इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ी तो मैं इसको ले आया फिर। अच्छा अच्छा, तो वो बेच दी? हाँ वो निकाल दी। वो भी CNG थी? नहीं वो CNG नहीं थी, पेट्रोल थी। पेट्रोल में वारा खा जाती थी वो? हाँ खा जाती थी उस टाइम। आप ये लगा लो के 2 साल पहले की बात है। तो पेट्रोल में बचता था उस टाइम? पहले पेट्रोल कम रेट में मिलता था। अच्छा, और बढ़िया पैसा मिलता था। राजस्थान में तो पेट्रोल बहुत महंगा है। ओला उबर में भी चलाया था, लेकिन फिर लॉन्ग रूट पे मान लो जैसे 2-4 दोस्त मिल जाते थे लेकर निकल जाते, तो उसमें ज्यादा पैसा मिलता था। अब ये बताओ, दिल्ली में तो ओला उबर से ज्यादा ड्राइवर खुश नहीं है। हाँ आपका क्या एक्सपीरियंस ओला उबर को लेकर? ओला उबर में देखो, चलाएगा बंदा तो कमाएगा पैसे। अब चलाए ही नहीं, मान लो कोई राइड आ रही है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हाँ जी, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ मान लो मेरे पास तो 200 की भी आती है, 300 की भी आती है, मैं तो ले लेता हूँ कोई सी भी होती है। तो बंदा चलाना तो पड़ेगा, देखो पैसा कमाना है तो काम भी करना पड़ेगा। पर किलोमीटर हिसाब से क्या दे देता है ओला उबर जयपुर में? जयपुर में मेरे ख्याल से 10 रुपए चल रहा है वहाँ पे पर किलोमीटर। हाँ 10 रुपए चलता है वहाँ, 10 रुपए वही दिल्ली वाला रेट। हाँ, ही है दिल्ली वाला ही रेट है, लेकिन ये है कि मैं छोड़ता नहीं हूँ। 200-250 रुपए कोई सी बुकिंग हो मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं ले लेता हूँ। ले लेते हो आप? हाँ। तो अभी आप यहाँ, हम अम्बाला खड़े हैं। हाँ। तो अम्बाला कैसे है? अम्बाला बढ़िया है, लेकिन अभी मेरे को हो गया है, 1-2 दिन हो गए मेरे को खड़े हुए यहाँ, मेरे को सवारी मिली नहीं है अभी। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं अभी ना टूरिस्ट का यहाँ पे? हाँ ऐसा हो सकता है। चलो कोई नहीं, 1-2 बार ही आया हूँ। आपको अब तो ड्यूटी मिल जाएगी है ना? हाँ अब तो चलो हम भी देखते हैं ना, जितना भी हमारे लिंक है। हाँ तो और गाड़ी के बारे में, अच्छा ये बताओ, हाँ जी आपने ओरा नहीं ली? होंडा ओरा। ओरा का क्या रीजन है कि देखो, अब ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है, ये डिजायर है। जैसे मान लो अपन इसको कभी ऊपर वाला ना करे, अपन कभी इसको बेचना चाहें तो अपन रात को भी बेच सकते हैं इसको। अच्छा। और इसको लोग लेना पसंद करते हैं। अच्छा। और सबसे ज्यादा यही चलती है इंडिया में, सबसे ज्यादा यही मिलेगा आपको, इसीलिए मैंने ओरा को पसंद नहीं करा। तो ओरा देखने गए थे आप? हाँ गए थे ना। वो कितने की पड़ रही थी आपको? वो भी शायद बराबर ही पड़ रही थी, थोड़ा बहुत ही फर्क था। ये कितने की पड़ी है आपको? ये मेरे को पड़ी है 11 की फिक्स पड़ेगी, ब्याज बुज लगा के। ऑन रोड कितने की पड़ी? ऑन रोड शायद 8.5 लाख की थी। 8.5 लाख की कागज को। आपके यहाँ राजस्थान में टैक्स एक वन टाइम टैक्स है ना? वहाँ का टैक्स थोड़ा महंगा है इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ तो क्वार्टरली, और दिल्ली का तो टैक्स है नहीं। हाँ। और हरियाणा का क्वार्टरली या आप 6 महीने या साल का भर सकते हो। आपके यहाँ एक ही टाइम वारी में भर देते हैं? 8 साल का होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, आप भर दोगे 8 साल का? 8 साल का। तो आपका जैसे ओला उबर के बारे में देखा आपने, दिल्ली में हड़ताल होती है। हाँ हुई थी हड़ताल। हाँ तो आपका ओला उबर के बारे में क्या विचार है? जैसे कोई इस लाइन में कौन से बंदे को आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, आपका क्या मतलब इस बारे में? देखो अभी मेरा विचार ये है कि जैसे नए बंदे हैं जो, और नए बंदे सोच रहे हो कि देखो हर जगह का अलग अलग है सिस्टम। देखो अब मैं जयपुर में चला रहा हूँ तो मैं एक तरीके से बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ। अगर मान लो मैं 2000-2500 रुपए पर डे के कमा रहा हूँ ना, तो मेरे लिए वो बहुत है। अब दिल्ली में देखो जैसे वहाँ पे जयपुर में टैक्सियां कम है और दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है उससे क्या है, कईयों को पैसा नोटिफिकेशन जाता हो, कईयों को पैसा नहीं जाता हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी दिल्ली के लिए कोई भी टैक्सी परचेज ना करे। अच्छा आपका ये विचार है? मेरा विचार ये है ओला उबर के, ओला उबर के लिए। अच्छा। अगर बाकायदा किसी के साथ लिंक है, मान लो टूरिस्ट में लंबा चले, तो उसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ओला उबर के लिए दिल्ली के लिए मना कर रहा हूँ।
अच्छा हाँ अच्छा, वहाँ ज्यादा बेटर नहीं है वो। आपने चलाई है दिल्ली में? नहीं दिल्ली में चलाई नहीं, लेकिन मेरे दोस्त हैं काफी सारे, उन्होंने मेरे को बताया है कि वहाँ बिल्कुल काम नहीं है, बरसातों का टाइम है, पानी भर जाता है, वैसे चार पाँच पाँच दिन खड़ा होना पड़ जाता है। पानी तो जयपुर में बहुत भरता है। नहीं भरता है, लेकिन हमारे एक दो जगह ही भरता है, लेकिन वो भी अभी पीछे वहाँ पे 2 महीने पहले मैं था तो 8-9 घंटे का जाम लग गया था, मतलब जयपुर डूब गया था उस दिन। हाँ तो ऐसा होता है, मतलब कभी कभी होता है, क्योंकि वो 10-15 मिनट का ही पानी रहता है, उसके बाद तो खत्म हो जाता है। मतलब मैं भी गाड़ी निकाल के लाया था अपना, इधर से लेके आया था मालवीय नगर से सिंधी कैंप के पास, तो ये लगा लो गाड़ी आधी डूब गई थी। हाँ उधर क्या है, निचला हिस्सा है ना, वहाँ पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और इधर की साइड अब रेलवे स्टेशन है थोड़ा बहुत, उधर पानी इकट्ठा होता है, बाकी वीडियन विरुद्ध नगर इधर चोमू पुलिया की तरफ इधर बहुत कम होता है, जोंटवाड़ा हुआ इधर बहुत कम होता है इधर। अच्छा अच्छा हाँ एक्चुअली मैं देखो अंदर की राइडें नहीं लेता ज्यादा, मान लो जो सिटी में है, मान लो मैं इधर बाहर चलाऊंगा तो बाहर मैं 2 ट्रिप मार लूंगा, और सिटी में जाऊंगा तो मेरे को 1 ट्रिप लगे, क्योंकि वहां जाम है, बत्ती है, हर चीज का होता है। अच्छा हाँ तो आप ओला उबर संतुष्ट हो? हाँ मैं जयपुर में संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हो और इस हाँ गाड़ी से भी संतुष्ट इस हो? गाड़ी से भी संतुष्ट हूँ। तो आपने VXI क्यों नहीं ली? VXI का मेरे को कोई ज्यादा उसमें बड़ा लगा नहीं कि इसमें कोई चेंजेस है, उसमें साउंड भी आ जाता, पीछे भी AC दे रहे थे वो, तो और उसमें ये वो सब। उसमें क्या है, थोड़ा वो पैसा बढ़ा रहे थे, वही चीज अपन ये बाहर से लगवाए तो अपना उसके में ही काम हो रहा है, उसमें ज्यादा पैसे लग रहे थे, ज्यादा बात ये पैसा, है। मतलब पैसे बचाए आपने कुल पैसे मिला के, बचाए मैंने। क्योंकि ये कमाने के लिए लिए है ना, तो जितना अब ये बचे। देखो ये मैंने 4500 रुपये में लगाया है ये। अच्छा ये 4500 में? हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है सही चलता होगा है हाँ ना। सही चलता है, बस ये स्पीकर अलग है इसके। LCD है, हाँ स्पीकर LED अलग नहीं है, है। ये ओनली फॉर ये 4500-4500 की लगी है, कैमरा कैमरा बीच में ही है इसके। 4500 में ही? हाँ बाकी ये जो स्पीकर है ना वो मेरे को पड़े थोड़े महंगे, वो 3000 के मेरे को वो तो स्पीकर आपने अपनी स्पीकर है। चॉइस के हिसाब से, हाँ वो जैसे जेबी साउंड लवर है तो हाँ कोई। वो JBL के लगवाए थे मैंने। अच्छा अच्छा और आप ये बताओ ये मिसिंग वगैरह मारती है नहीं कुछ नहीं, मेरे मेरे को तो CNG अभी पे? तक लगा नहीं, कुछ नहीं लगा, पेट्रोल पे चलाई है आपने? पेट्रोल पे चलाई है मैंने। पेट्रोल और CNG में कुछ फर्क लगता है आपको? हाँ हल्का सा, मतलब ये लगता है जैसे पेट्रोल में जो चढ़ाई वढ़ाई हो तो वहाँ ज़्यादा काम करता है पेट्रोल, अच्छा और तो पेट्रोल CNG और CNG पे कैसे कन्वर्ट होती है वो भी दिखा वो दीजिए। इधर से एक वो है बटन, इसका ये रहा, अच्छा हाँ ये रहा, इस पे बटन है जो उससे अपन चेंज कर सकते हैं एक उसको। ये ESP का बटन ना, हाँ इलेक्ट्रॉनिक। ये भी है, और एक इसका लाइट का भी, अपन लाइट को भी इधर उधर हाँ कर वो सकते हैं। तो हाँ मोड होता है वो तो, हाँ चलो सारी गाड़ी में होता हाँ है। दोनों है इधर ये हाँ जी हाँ जी। और इसकी सर्विस की कॉस्ट क्या आती है, कितनी सर्विस करा लिया आपने? सर्विस। देखो अभी मैंने एक ही कराई है इसकी, और अभी मेरे पास 3 सर्विस ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, मतलब मतलब लेबर लेबर फ्री हाँ रहेगी? लेवर हाँ लेवर है। कंपनी में तो चलो वैसे बाहर 2-2 हज़ार में हो जाती है आराम से है ना। हाँ जब बाकी वारंटी कितनी मिली आपको इसकी, मतलब वारंटी, गाड़ी की वारंटी गाड़ी की वारंटी देखो कैसे, एक्स्ट्रा ली है आपने? नहीं एक्स्ट्रा तो नहीं ली, फिर 40 हज़ार की मिली हो, नहीं चालीस हज़ार नहीं नहीं किलोमीटर ऐसा नहीं है, 50-1.5 लाख तक है, मेरा कोई जानकारी था वो मित्र जिसने सारा काम हाँ फिर वो करवाया। एक्स्ट्रा पैसे ले लिए होंगे हाँ बीच में ही। उसके चक्कर में वो कर 1.5 लाख का उसने बताया, 1.5 लाख चलेगी अगर कुछ भी हो जाता है तो उसका वो कितने ना। साल का? 5 साल का होएगा फिर? हाँ हाँ 5 साल का। जी हाँ जी चलो हाँ ठीक है। मतलब ओरा से आपको ये बेटर लगी है गाड़ी? मतलब हाँ ये मेरे को बेटर लगा। ओरा से लेकिन थोड़े फीचर कम है इसमें है ना टूर में? देखो फिर वही बात है, अब ओरा को अपन सेल करने जाए ना तो उसको बहुत टाइम लगेगा, अपन इसको अगर सेल और करना उसकी चाहें। रीसेल भी कम है ना? हाँ ये बात है, इसीलिए मैं इसको परचेज कर रहा हूँ मैं। अच्छा और टूरिस्ट के बारे में आपका क्या विचार है टूरिस्ट में, मतलब? टूरिस्ट में देखो, टूरिस्ट में तो काम करने वाला बंदा चाहिए, बहुत पैसा है, बढ़िया काम चलता है टूरिस्ट में तो, अच्छा बस अच्छा लेकिन लिंकबाजी होनी चाहिए अपनी, लिंक मान होनी लो लिंक चाहिए। होने चाहिए, अगर लिंक नहीं है तो कुछ नहीं है अपने पास। ये काम आप किसके लिए समझते हैं, मतलब एक कैसा बंदा हो जो इस काम में आए? जैसे कई कईयों के मुझे कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे कि हम 30-40 हज़ार की जॉब करते हैं, हम इस लाइन में आ जाए तो ठीक है। कई कहते हैं मैं 10-15 हज़ार की ड्राइवरी कर रहा हूँ कोठी वगैरह में जैसे। तो आपके हिसाब से इस लाइन में कैसे लेवल के बंदे को आना चाहिए? 30-40 हज़ार की नौकरी छोड़ के इस लाइन में आना ठीक है? देखो 30-40 हज़ार की बात ऐसी है, क्योंकि इसमें देखो टाइम देना पड़ता है अपने को, रात को भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है, लेकिन पैसा मिलता है। बाकी अगर आप 30-40 हज़ार पे कमा रहे हो, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है तो आपके लिए वो बेटर है, लेकिन इसमें ड्राइवरी लाइन में ये है कि आपको रात परात दिन
बरसात कुछ नहीं देखना पड़ता, इसमें चलना ही पड़ता है भाई, क्योंकि इसमें अब प्रेशर रहता है ईएमआई का, हर चीज का रहता है, बंदे को घर खर्चा भी। गाड़ी तो खड़े का भी 1000 रुपए का तो खर्चा है ही है गाड़ी का, है ना, ये बात है। किस्त कुश्त मिला के मेंटेनेंस वगैरह सब, टायर टूर कागज कुछ सब जो भी है, ये है। और जो 10-15 हजार की नौकरी कर रहा है कोठी वगैरह में, देखो वो देखो, अगर घर से स्ट्रॉन्ग है, कई बंदे जो मान लो जिनके पास पैसा है और अफोर्ड कर सकते हैं मान लो, तो वो करें। अगर मान लो जिसका बेचारे का इतना है ही नहीं, पूंजी नहीं है, तो वो बेचारा कैसे करेगा। मान लो वो पहले 1-2 महीने तो ऐसे ही है, काम ऐसे ही चलता है, उसके बाद धीरे धीरे बंदा समझता है, तभी आगे पैसा कमाता है और आगे उसका घर चलता है। आपने रैपिडो में नहीं लगाई गाड़ी? नहीं, रैपिडो में ही लगाई। अच्छा, ओला उबर में आपको कौन सी दोनों में ठीक लगता है? मेरे को ज्यादा उबर बढ़िया लगता है। पैसे उबर अच्छे देता है? हाँ, उबर फिलहाल उसमें क्या है, 20% कमीशन लेता है उबर। ओला ज्यादा लेता है? नहीं, ओला भी उतना ही लेता है, शायद ओला ज्यादा लेता है मेरे ख्याल से, वो 25 या 30 कर रखा है। अरे जयपुर में आपको मैक्सिमम कितने की ड्यूटी आई थी, कितने किलोमीटर, कितने रुपए तक की? मैक्सिमम जैसे दिल्ली एनसीआर तो बहुत बड़ा है ना, पूरा एनसीआर है, 4-5 सिटी लगती है, जयपुर में क्या हिसाब है? जयपुर में देखो मैक्सिमम मेरे पास 850 की ड्यूटी आई है। कितने किलोमीटर की? वो आई थी 34 किलोमीटर। वो सर्च में आई होगी ना? और वैसे विदाउट सर्च कितने तक की आ जाती है? विदाउट सर्च आ जाती है मान लो 250 से तो नीचे आती नहीं है, वहाँ आती नहीं। हाँ, 250 से नीचे आती नहीं है। तो आप वहाँ पे सिटी टूर भी कराते हो? सिटी टूर नहीं कराते हम, अगर कोई हमारा आपको कांटेक्ट हाँ, करता है तो फिर अपन करा दें, क्योंकि मैं वैसे हूँ जयपुर से। सिटी टूर आपको सारा पता होगा, मेहर फोड़ ये नाल नाहरगढ़ ये सब जो नाहरगढ़ वगैरह, आमेर किला है, और वो हवा महल वगैरह सब ये सब करा दोगे? हाँ जी। आप एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए। मेरा नंबर है 7740917588। किसी सज्जन को अगर जयपुर में गाड़ी चाहिए तो हमारे वीर जी हैं, एनी टाइम इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप अब टूरिस्ट में ज्यादा चलाएंगे अब? हाँ, अब टूरिस्ट में नहीं, मैं तो कंपलसरी चलूंगा दोनों में, मान लो मेरे को जैसा जो हाँ, जैसा मान लो कोई बढ़िया रूट मिल रहा है तो मैं उसमें चला जाऊंगा। आपने अर्टिगा की तरफ क्यों नहीं देखा? आर्टिका की तरफ इसलिए ने देखा कि देखो वो एक सीजन वाला काम हो जाता है, और इसमें क्या है, मैं इसको ओला उबर में भी चला सकता हूँ और वैसे टूरिस्ट में भी चला सकता हूँ, इसमें मतलब कहीं भी नहीं रुक सकती है गाड़ी। अच्छा, हाँ। और वैगनार? नहीं, वैगनार तो फिर अपन टूरिस्ट पे बहुत कम जाती है, वो लोग पसंद उसको नहीं करते। अब इसको डिजायर को पसंद करते हैं लोग, क्योंकि मतलब ये ऑलराउंडर है, लोकल भी चला लो कहीं भी चला, टूरिस्ट में। और आर्टिका चाहिए खाली टूरिस्ट में, और वैगन आर चलेगी खाली लोकल में बस ये। तो आपने कंपनी वगैरह में कभी किया है, जैसे कंपनी में करा, एमएनसी वगैरह? हाँ, कंपनी में करा था, लेकिन कंपनी वाले दे रहे थे यही 35,000-37,000, लेकिन उसमें मेरे को पड़ता नहीं आया। किश्ती? हाँ, किश्त कितनी आपकी पर मंथ की? मेरी 17,800 रुपए। 17,800, 4 साल की होगी। हाँ, डाउन पेमेंट कितनी करी थी? डाउन मैंने 2.80 दिया था, कोई फाइल चार्ज वगैरह लगा के, मतलब 3 मान लो। किससे कराया आपने लोन? ये कोटक महिंद्रा से कराया। कोटक महिंद्रा से, ठीक है ठीक है। 16% पे किया होगा। हाँ, इतना ही करा। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ गाड़ी में आप कुछ कमी? बस अब करवाएंगे, आगे काम करवाएंगे। अच्छा, इसका एक और मसला है, जो कैप है पीछे जो मैंने वीडियो में दिखाई है, वो अगर चलती गाड़ी में कोई उतार दे तो गाड़ी बंद हो जाती है। हाँ, वो सीएनजी वाली कैप अगर उतार भी दे या उतर भी जाए तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये एक चीज मतलब गलत है ना, मतलब सेफ्टी हिसाब से मतलब है ना गलत। तो क्या है कि देखो फिर वो उसके लिए ओपन रहना भी सही नहीं है, तो इसे अंदर रखना चाहिए ना। जैसे वैगनार और अपनी अर्टिका में दिया हुआ है, और में ये चीज ठीक है। हाँ, उसमें सही है, उसमें किसी से आपकी रात बेरात कोई भैंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आपके अगर कोई टाइम का नहीं पता होता, वो बंदे कैब खींचेंगे आप वहाँ पे। इतना वो खींचती भी नहीं इतनी जल्दी वो, पर फिर भी चलो बाहर तो मतलब कंपनी ने बोला है अगर डीलर होता हर बार चेंज करके देगी कंपनी। अच्छा, हाँ, उसको कंपनी चेंज करके देगी हर बार। अच्छा, अगर डीलर हो जाता है तो। अच्छा, ये भी चीज है। हाँ, ये आपने नई चीज बताई है। हाँ, अच्छा अच्छा, आप गणेश जी को मानते हो है ना? गणेश जी को क्या, वो तो एजेंसी वालों ने लगा के दिया, तो उसके बाद मैंने लगाया ही। अच्छा अच्छा, चलो सही है। और आपने फास्ट ट्रैक वगैरह सब लगवा के रखा है ना? हाँ, गाड़ी तो मतलब अच्छी लग रही है, सारा कुछ ओके। सीट कवर आपने कंपनी से डलवाया? कंपनी नहीं लगा के दी, कंपनी से डलवाया। तो मतलब कुल मिला के ओला उबर में जो मेहनत कर सके वही आए, वही आए, मेहनत कर सके। जयपुर में बाहर का बंदा के गाड़ी चला सकता है, ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो फिर वही है, टैक्स का लफड़ा रहेगा। मान लो कोई दिल्ली से है, कोई कहां से है, वहां का टैक्स थोड़ा महंगा है, लेकिन है वो 8 साल के लिए।
अच्छा अच्छा हाँ। मतलब नहीं जैसे बाहर का नंबर, जैसे दिल्ली नंबर गाड़ी है, कोई यूपी नंबर है, वो टैक्स कटाना पड़ता है अपने को, टैक्स कटा के अपन चला सकते हो, वो चला सकते हो। हाँ, चला फिर। लेकिन वो है कि जैसे मान लो अब मैं जयपुर का हूँ, मेरे को हर गली का पता है कि कहाँ कस्टमर खड़ा है, मेरे को अगर इधर से जाम लग रहा है तो मेरे को इधर से घूम के जाना है, मेरे को जल्दी पहुंच जाऊंगा या कुछ है, तो वो तो जैसे अभी दिल्ली में पहले अभी सख्ती हो गई थी कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पॉइंट टू पॉइंट नहीं चल सकती, जयपुर में ऐसी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, जयपुर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कोई अगर दिल्ली से परेशान हो जाए तो जयपुर आके काम कर सकता है, उसका टैक्स कटवा के, टैक्स कटवा के मंथली या क्वार्टरली टैक्स कटा ले, कुछ भी कर सकता है। तो जयपुर में भी अच्छा 2500-3000 का काम हो जाता है, हो जाता है, करने वाला हो। लेकिन ये नहीं है कोई अगर 10-12 घंटे 12 घंटे से प्लस काम करता है 3000 तो कर ले, 3000 पे तो है पूरे हैं। और वीकेंड पे ज्यादा काम होता होगा, वीकेंड पे तो ज्यादा रहता है काम, संडे और शनिवार को तो बहुत ज्यादा काम रहता है, बहुत ज्यादा काम है। तो भाई ये देखो, जैसे आप दिल्ली में आप बाहर से आगे गाड़ी चला रहे हो, दिल्ली में आपका घर नहीं है, तो अगर दिल्ली में आप परेशान हो रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप जयपुर भी ट्राई कर सकते हो, है ना, ये भी चीज है। चलो अब पीछे से मैं गाड़ी दिखाता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते। तो ये आप पीछे से भी देख लो, आपको मैं दिखा दूँ पीछे, इसमें जो एसी है ना, एसी मिडनी है, और ये स्पेस अच्छा खासा है, सीट पूरी पीछे हो रखी है, और मैं आराम से खुला डुला बैठा हूँ, ये देख सकते हो। अच्छी ये वीर जी ने लेवल बराबर कर दिया, अच्छा खासा स्पेस है, मतलब पूरा लेग स्पेस अच्छा है, हेडरेस्ट जो फिक्स है पर फिर भी, और हेडरूम भी अच्छा है, और यहाँ पे भी मैनुअल आप विंडो ऊपर नीचे कर सकते हो, ये हाथ से पावर विंडो नहीं है, वीर जी कह रहे अभी मैं काम करवाऊँगा इसका सारा। पीछे बस यही है और कुछ तो नहीं, पीछे से ये व्यू देख लीजिए। और वीर जी इसमें आप जैसे ड्राइवर को तो गाड़ी में ही सोना होता है अगर टूरिस्ट में चलना है, तो सोने की कोई दिक्कत वगैरह इसके बारे में कुछ? सोने की कोई दिक्कत नहीं, देखो ये पूरी सीट होती है, आराम से अपन सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इधर। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो वीर जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये एक बार नंबर और बता दो हमें, इंटरव्यू भी दिया आपने। 7409175888 किसी को गाड़ी चाहिए जयपुर एरिया में, आप बड़ी गाड़ी भी दिला दो किसी को, अगर अर्टिगा वगैरह चाहिए है ना, तो मतलब इनोवा या जैसे भी कुछ भी कोई भी गाड़ी हो करवा देंगे। चलो थैंक यू आपने मुझे इंटरव्यू दिया, चलो ठीक है दोस्तों, में फिर मिलते हैं वीडियो में आगे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।